वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सतेंद्र ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है गाइस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह ये देखिए सूरज भगवान निकल आए हैं और अभी देखिए आज का मौसम कैसा है। मौसम हल्का है, अब तो ठंड पड़ने लगी है ना, थोड़ा थोड़ा तो कुछ मौसम चेंज रहता है। तो गाइस ये दुर्गा जी सुभाष चौक कटने की है, ये देखिए जो कि बहुत ही बढ़िया पंडाल भी बना हुआ है। हम चल रहे हैं घंटाघर की ओर और रोड कितनी खराब है ये देखिए, रोड बहुत ही ज्यादा खराब है। गाइस ये है कटनी नदी का पुल और कटनी नदी ये है नीचे तरफ में, ये देखिए कटनी नदी है और इस तरफ बस स्टैंड है इसी के आगे। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं दुर्गा मंदिर, बस स्टैंड के कहीं पास है तो वहीं चल रहे हैं अभी। चलिए चलते हैं और बस स्टैंड का पहला वाला गेट पहुंचने वाले हैं अभी। तो गाइस ये सामने बस खड़ी हुई है और ये नीला कलर का गेट है तो यही बस स्टैंड है। से लौट के और दुर्गा चौक जाना पड़ा और दुर्गा चौक से अभी फिर चल रहे हैं मार्केट के अंदर की ओर। तो गाइस अभी हम गर्भ चौराहा के ब्रिज के ऊपर हैं और सामने में दुर्गा जी का पंडाल लगा है, ये देखिए आगे दुर्गा जी बैठी है, इसी के आगे घंटा घर है। तो चलिए चलते हैं मार्केट एरिया में, कुछ काम है तो काम करते हैं। हे माते ये दुर्गा मैया तो कल मेरे को ध्यान रखना, कल संतान देव निकाला था ना। हाँ सही में जय माता। अभी हमें चलना है गोल बाजार और गोल बाजार में बैग की चैन लगवाना है तो अभी चलते हैं। अभी हम लोग कहाँ है रोड मार्केट के अंदर पर अभी गोल बाजार नहीं है, झंडा बाजार आने वाला है। काली जी बैठी ही लगता है, टेंट लग गया है काली जी का मंडी। हाँ यहाँ तो खाना पीना का बहुत वो रहता है। जय माता पूरी रात 10-11 बजे से चालू हुई थी। इतना मार्केट में भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा। चल भाई क्या गोल बाजार पहुंच गए, ये क्या गोल बाजार है ना, कोका कोला। ये दुर्गा जी है और ये कुछ दुर्गा जी का ऐसा पंडाल है ये देखिए, और ये दुर्गा जी सुभाष चौक की है। बहाल की दुर्गा जी गोल बाजार पहुंच चुके हैं। अच्छी कड़े श्री राम भगवान आ जाओ। इसी झंडा बाजार की कुछ मूर्तियां, यहाँ शंकर भगवान ऋषि मुनि और ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं।